हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा। आसमा स्पेशल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चावल और मूंगफली का खीर बनाएंगे। इसको बनाने का एक ट्रिक है जो कि बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी। टेस्ट तो इतना जबरदस्त है कि आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। हमें चाहिए इलायची का पाउडर। मैंने 4 इलायची को अच्छे से कूट के पाउडर बना लिया है। 4 से 5 काजू कटे हुए, 4 से 5 बादाम, थोड़े से किशमिश, थोड़े से नारियल को ग्रेट करके लिया हुआ है। और ये चावल मेरा वजन में 30 ग्राम है। ये चावल को मैंने आधे से पौन घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आप कभी भी खीर बनाए तो कच्चे चावल में ही बनाए। कच्चे चावल में हमारे खीर बहुत अच्छे बनते हैं। 30 ग्राम हमने लिया है मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली है ये। चीनी 500 ml दूध है, इसको हमने 2 ग्लास में निकाल लिया है। 10 ग्राम मिल्क पाउडर। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें दूध को डाल देंगे, उसके साथ ही मिल्क पाउडर को उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे लम्स को रिलीज कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए। अब फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारे सारे लम्स रिलीज हो चुके हैं। हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए चावल। इसको अच्छे से चला लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो हमारे चावल नीचे तले में लग जाएंगे। अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार में मूंगफली को ट्रांसफर करके उसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा पाउडर बन चुका है। अब इसको साइड में रख देंगे। और हमें खीर को चलाते हुए पकाना है और सारे किनारों को स्क्रैप करते हुए दूध के अंदर डालते रहिएगा। इससे हमारे दूध जल्दी गाढ़े हो जाते हैं और एक मलाई के लच्छों सी आ जाती है हमारे खीर के अंदर, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। टोटल 15 मिनट लगे हैं हमारे चावल को सॉफ्ट होने में। अब इसमें हम मूंगफली को ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने से हमारी खीर थोड़ी पतली हो जाएगी। इससे 4-5 मिनट के लिए और पका लेना है गाढ़ी होने तक। अब इसके साथ ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा चीनी टोटल 50 ग्राम था। 50 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे खीर के लिए। 1/2 लीटर खीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छे से चलाते हुए हमें पका लेना है। अब हमारा खीर बनकर रेडी है।
देख सकते हैं ये देखने में एकदम क्रीमी और गाढ़ी हो गई है। इसको ठंडा होने के बाद एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर लें। अब देखिए इसका रिच और क्रीमी लुक। आपने ऐसा चावल और मूंगफली का खीर कभी नहीं खाया होगा। इसका स्वाद बहुत ही अलग है। आप इसे किसी भी ओकेज़न पे बनाएं, अपने फैमिली और रिश्तेदारों को ज़रूर खिलाएं। सबके ज़ुबान पे आपका ही नाम होगा। थैंक यू। Dear viewers, if you like my mama's cooking style, then please subscribe, like and share it. Thank you.